Hey guys, back to my channel, Hint. और आज के में हम देखने वाले हैं बग के लिए टॉप बब सूट सो so, वो क्या क्या है कैसे उसे इम्पोर्ट करते हैं ये सारा देखेंगे आज अपने इस वीडियो में सो so, यहाँ पे आ, जैसे मैं प्रोफेशनल चालू कर लेता हूँ मेरा बब सूट सो यू द टेम्प्ररी प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिस्क एंड ओपन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप न्यू प्रोजेक्ट भी सेट कर सकते हैं बट अभी मैं स्टार्टिंग में टेम्परे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ देन नेक्स्ट देन स्टार्ट बब एंड मेक श्योर आप लेटेस्ट बब सूट यहाँ पे यूज पे ले रहे हो एंड uh, आपको दो फाइल्स को यहाँ पे सेटअप करना होता है एक्सटेंशंस के लिए जैसे कि मैं पता है कि बब सूट आपका जो आपका एस टी टी पी एस टी टी पी एस रेस्पॉन्स आ रहा है उनको इंटरसेप्शन के लिए काम में आता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर जाता हूँ एंड एक्सटेंशन के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे लाइक इंस्टॉल बैप स्टोर एपी एंड एक्सटेंशन सेटिंग्स सो एक्सटेंशन सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं फॉर जावा जाओ फॉर पाइथन इन्वायरमेंट एंड रूपी इन्वायरमेंट सो so, यहाँ पे जावा एनवायरनमेंट अगर आपके ऑपरेटिंग uh, सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जावा की ऑलरेडी पाथ आपकी सेट है इन एनवायरनमेंट में जो आपका एनवायरमेंटल पाथ uh, होती है तो वहां पे अगर आपका ऑलरेडी सेट है तो यहाँ पे आपको मेंशन करने की नीड नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपका जावा ऑलरेडी चल जाएगा दैन सेकेंड है पाइथन एनवायरमेंट यहाँ पे आपको जो स्टैंड अलोन फाइल है यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है जय पाइथन की सो so, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर बना रखा है वहाँ पे पाइथन यहाँ पे स्टैंड अलोन यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है सेम चीज रूबी के साथ भी सो so, रूबी में भी मैंने रूबी कम्पलीट नाइन पॉइंट फोर डॉट जार यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है एंड ये आप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यूज दिस सेटिंग्स टू टू कॉन्फिगर द एनवायरमेंट इट शुड बी यूज्ड एग्जीक्यूट एक्सटेंशन आर रिटन इन पाइथन

इंस्टॉल्ड अभी है या नहीं उनकी रेटिंग क्या है एज पर स्टार सो जैसे फोर स्टार है या फिर फोर स्टार थ्री स्टार फोर स्टार देन पॉपुलरिटी कितनी है उनकी एंड लास्ट अपडेट कब हुआ था एंड सिस्टम इम्पोर्टेंट एंड डिटेल्स लाइक प्रो एक्सटेंशन दैट्स मीन ये आप सिर्फ प्रोफेशनल वर्जन में ही यूज़ ले सकते हैं अदरवाइज आप नॉर्मल वर्जन में भी यूज़ ले सकते हैं जैसे अगर आप एंड कम्युनिटी वर्जन यूज में लेते हैं सो so, यहाँ पे जैसे डॉट नेट ब्यूटीफायर है तो आप ये कम्युनिटी वर्जन भी यूज ले सकते हैं ताकि प्रो एक्सटेंशन के लिए आपको आ, प्रोफेशनल बब सीट डेट्स मीन लाइसेंस वाला ही आपको चाहिए होगा या फिर आप क्रैक भी यूज ले सकते हैं जैसे आपने बहुत सारे बग बाउंड्री हंटर्स का देखा होगा जो डॉक्टो की वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड करते हैं सो यू कैन यूज देट ऑल्सो सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको रेटिंग के बेसिस पे चेंज कर सकते हैं सो so मैंने जैसे रेटिंग पे इसको डिसेंडिंग uh, ऑर्डर पे कर लेते हैं सो so, यहाँ पे सबसे पहले फोर स्टार का आता है और मुझे बताता है जैसे एट टू साइड में प्लस जो कि लास्ट अपडेट ट्वेंटी एट नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को हुआ था दैन uh, जो मेरा सिस्टम इम्पैक्ट है वो मेरा यहाँ पे लो है एंड डिटेल्स डेट्स मीन मैं यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन में यूज में ले सकता हूँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यूजफुल है विच इज़ योर

तो जितने भी आपके लॉक से रिलेटेड चीज़ है यहाँ पे इसको सेव करके रखता है यूजर कैन कस्टमाइज द कॉलम हेडर्स एडवांस फिल्टर कैन बी क्रिएटेड बाय द डिस्प्ले ऑन रिक्वेस्ट मैचिंग स्पेसिफिक कंडीशंस, ग्रेप थ्रू लॉक्स लाइव रिक्वेस्ट फॉर द रिस्पांस, मल्टीपल व्यू ऑप्शन पॉपअप व्यू पैनल एंड मल्टी थ्रेडेड तो so, ये आपके एक यूजफुल एक्सटेंशन आ जाता है लोगर प्लस प्लस का जो जितने भी लोग्स होंगे वो आपके सेव करके रखेगा यहाँ पे और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन योर एक्सेल फाइल एंड मेमोरी हाई यूज़ में आएगा सी so पी यू यूज इसकी मीडियम है टाइम लो है स्कैनर लो है सो यहाँ पे आ जाता है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखनी हो सो यू कैन चेक ऑन दैट गेटअप लिंक सो गेटअप पे पोर्ट स्विगर एंड लोगर प्लस प्लस नाम से यहाँ पे मिल जाएंगे अपडेट था थ्री फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को एंड अप्रोक्स फोर पॉइंट फाइव स्टार यहाँ पे मिले हुए हैं इसको पॉपुलरिटी के साथ सो so, मुझे वैसे मुझे इंस्टॉल करना है सो जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल सो इंस्टॉल के बाद uh, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड डन सो यहाँ पे यू कैन सी मेरे पास एक्सटेंशन के आगे लोअर प्लस प्लस यहाँ पे शो हो गया अब मैं कुछ भी एक्टिविटीज करता हूँ जैसे मुझे कुछ ऐड करना है टारगेट के अंदर सो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ क्रिएट करना होना चालू हो जाएगा बबसूट एक्सटेंशन है हमारा ऑटोराइज सो ऑटो राइज ऑटोराइज सिस्टम इम्पैक्ट जिसका मीडियम है पॉपुलरिटी ठीक है इसकी uh, some, something so, uh, होता यह है कि जैसे मान लो आप बड़ी application पे सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं या, uh, है या फिर आपके पास बग बाउंड कर रहे हैं जहाँ पे आपके मल्टीपल ऑथोराइजेशन आ रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन में एक्सेस कंट्रोल इश्यूज है सो so, उस चीज को बहुत इजी तरीके से मैनेज करने के काम में आता है ऑथोराइज

अगेन so, आपका सिस्टम इम्पैक्ट लो है एंड अगेन लास्ट अपडेट ट्वेंटी थ्री अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को हुआ था देन जो भी आप इंट्रोडर एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर एड कर देता है फास्ट uh, है फ्लेक्सिबल है स्केलेबल है कन्वीनियंट है सो so, नॉर्मल जो आपने इंट्रोडर यूज में लिया था उन्हीं का ही अपडेटेड वर्जन है आपका टर्बो इंट्रोडर सो ये भी आपके बहुत यूजफुल हो रहता है सो so, मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन इज योड स्कैनर सो अपलोड स्कैनर आपका प्रो एक्सटेंशन है जो कि आपके प्रोफेशनल वर्जन के अंदर ही रहना होगा ये आपका एक सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग करने वाला एक एक्सटेंशन है जिसमें जहाँ पे भी आपके एक अपलोड फंक्शंस आता है जहाँ पे आप मल्टीपल फाइल अपलोड करके देखते हैं सो अपलोड स्कैनर वो चीज़ आपके ऑटोमेटिकली ही चेक कर लेता है जैसे मेन फीचर्स में देखते हैं तो टेकिंग एस मॉल जे पी एन जी जे पी एस फाइल इट इज़

रिटायर डॉट जे एस अगेन इट्सेंशन जो बेसिकली क्या करता है आपके पॉपुलर uh, जो रेपोजिटरी uh, होती है जावा स्क्रिप्ट की और जहाँ पे भी आपके नॉन बक्स होते हैं रिलेटेड टू दावा स्क्रिप्ट तो ये स्कैनर वहाँ पे चेक करता है और आपको बताता है कि कौन कौन सी यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटीज एक्सिस्ट करती है And you can see like if passive looks the JavaScript file loaded and identifies those which are vulnerable based on the various signature types, to see URL file name content or specific hashes. So, uh, the next important extension is Active Scan Plus Plus. So Active Scan Plus Plus, just say, we target can the and uh, एक्टिव एंड पैसिव स्कैनिंग दोनों हम रन करते हैं सो उसी का ही अप्रेटेड वर्जन है फॉर प्रो एक्सटेंशन एंड प्रो एक्सटेंशन के अंदर मल्टीपल आपके फीचर्स आ जाते हैं फॉर पासवर्ट रिसेंग कैश पॉइजनिंग डी एस एम एल डी एन एस रिबाइंडिंग एस एड इंक्लूड एक्सएमएलूड हैंडलिंग सस्पिशियस इनपुट ट्रांसफॉर्मिंग जो सेवन इंटू सेवन एक नाइन मतलब जो भी आपके एस एस टी आई के जो चेक कर लेते हैं हम लोग सो सर्वर साइड सर्वसाइड इंजेक्शन है उनसे रिलेटेड ब्लैक इंजेक्शन मल्टीपल सी बी सोवाइड था इंसिटी बेसिक ऑथेंटिकेशन सो जो हमारा एक्टिव स्कैन है उसका अपग्रेडिड वर्जन है आपका एक्टिव स्कैन प्लस प्लस एंड यू कैन लाइक इंस्टॉल दिस एक्टिव स्कैन प्लस प्लस ऑल्सो जो कि आपके बहुत ज्यादा यूजफुल आने वाला है एंड नेक्स्ट टेंशन देख लेते हैं अगर आप एडब्ल्यूएस एस से रिलेटेड uh, आप सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं सो यू कैन यूज द ए डब्ल्यू एस लाइक जस्ट ए डब्ल्यू एस जहाँ पे आपके मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स आ जाते हैं सो यू कैन यूज द ए डब्ल्यू और यू कैन यूज द ए डब्ल्यू बिफोर एंड इसके अलावा जो आपको इंस्टॉल करने की नीड है विच इज ए डब्ल्यू टी सिक्योरिटी चेक सो एस डब्ल्यू एस सिक्योरिटी चेक में सो दिस एक्सटेंशन प्रोवाइड एडिशनल स्कैन फॉर चेक प्रोवाइडी ए डब्ल्यू एस सीक्रेट्स रिटर्न इन द रिस्पॉन्स एंड एक्टिव चेक जो आपके एक्स थ्री बकेट्स है uh, उनके अन के लिए राइट uh, परमिशंस के लिए ऑथरेटेड रीड रिक्वायर्ड ए डब्ल्यू एस एस टी एस टी के लिए एंड मेटर डेटा के लिए सो यू कैन यूज़ दैट ए डब्ल्यू एस सिक्योरिटी चेक सो इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है जो कि आपके यूज़फुल uh, होगा एंड जैसे ही आप ये कर लेते हैं सो टोटल एस्टिमेटेड सिस्टम इम्पैक्ट मेरा भी हाई हो गया है सो so, अगर आपके सिस्टम में लाइक अच्छी खासी रैम है आप जी पी यू यूज़ पर ले रहे हैं तो आप अब सूट यूज़ में ले लो अदरवाइज इसकी जो फाइल बनेगी जो आप फाइल सेव करेंगे वो बहुत फा, हैवी फाइल हो जाती है so so now the most important Bup bounty so, bounty uh, scan check builder and uh, multiple options use में लेना है सो so, ये भी आपके pe uh, है जहाँ पे आपको deta करके देता है आपका ब, bounty दो वर्जन में आता है uh, प्रो में भी प्रो वर्जन में भी आता है जिसको आपको इसको बाय करना होता है बब बाउंड्री को देन अप्रोक सेवेंटी नाइन यूरो का ये आता है ईयरली बेसिस पे जो कि आपको फाइन करके देता है इसका so, नाम रखा है इन्होंने बग बाउंडी एंड ये आप इंस्टॉल कर सकते हो फ्री के अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं स्कैनिंग के जो आपको वनबिलिटीज देगा बट प्रोज के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स है सो so, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है सो अब बब बाउंड्री प्रो का आप प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं अप्रोक्स एटली एंड बाकी पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए आपके बब बाउंड्रीज नॉर्मल आपके चल जाएगा ऐसा कुछ इश्यू आएगा नहीं एंड नेक्स्ट एक्सटेंशन इज यीटर्स सो रिफ्लेक्टेड पैरामीटर्स अगेन आपका प्रो एक्सटेंशन के अंदर है एंड रिफ्लेक्टेड पैरामीटर्स के अंदर uh, जैसे जो भी accesses, so, आपके रिफ्लेक्टेड वनडेबिलिटीज रिलेटेड टू एक्स एस टी एम एल इंजेक्शन सो उनसे रिलेटेड रिलेटेडिलिटीज आपके फाइन करने के काम वर्जन सेवन, सो अगर आपके सिस्टम में है सो यू कैन डायरेक्टली यूज टू जस्ट क्लिक ऑन दट इंस्टॉल बटन एंड आपके ये इंस्टॉल हो जाता है ना uh, ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन uh, है इसके अलावा आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक्सटेंशन ऐड कम कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं बट दीस आर लाइक इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस जो आपके अबव uh, सूट के अंदर होने ही होने चाहिए इसके अलावा जो भी आपको लगता है रिलेटेड टू योर ओथ फॉर एपीआई टेस्टिंग रिलेटेड टू एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी या सिक्वल इंजेक्शन ऐसे करके आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एक्सटेंशन और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है जो कि डायरेक्टली आपके गेटअप पे है और आप उसको ऐड करना चाहते हैं सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन मैनुअली इंस्टॉल और मैनुअली इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे उस बब जो आपका एक्सटेंशन आया है वहाँ पे आप इसको जस्ट क्लिक एंड जैसे आप इंस्टॉल करते हैं देन रिफ्रेश लिस्ट करके यहाँ पे आपके एक्सटेंशन आ जाता है रिफ्रेश लिस्ट में एंड एक्सटेंशन आने के बाद यू कैन जस्ट क्लिक एंड इंस्टॉल एंड वो आपके बब सूट के साथ आपके आपके बब सूट में एड हो जाता है और एड होने के बाद आप उसको डायरेक्टली यूज में ले सकते हो अपने बब सूट के अंदर सो दिस इज द वीडियो फॉर बब सूट प्रोफेशनल एंड uh, जहाँ पे आपके कुछ यूजफुल एक्सटेंशन है और आपको लगता है कुछ एक्सटेंशन जो आप यूज में लेते हैं इच इज लाइक यूजफुल सो यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आप कौन सा एक्सटेंशन यूज मिल रहे सो so, आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टूटोरियल के साथ जब तक के लिए टाटा बाय बाय